बेटे की फिल्म की रिलीज पर छलका सनी देओल का दर्द, इंटरव्यू में बोले काश ऐसा हो पाता। 62 साल के हो चुके सनी देओल को विरासत में शराफत मिली है। अपने पिता की ही तरह वे भी हमेशा परिचितों से बाहें फैलाकर मिलते हैं, चेहरे पर मोहक मुस्कान ओढ़े रहते हैं और इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए भाग दौड़ भी खूब लगाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपने बेटे करण देओल की फिल्म लटकाई और संसदीय क्षेत्र में हादसा हुआ तो बेटे की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च छोड़ उन लोगों के पास पहुंच गए। अमर उजाला संवाददाता अक्षय त्यागी ने सनी देओल से की एक खास मुलाकात। निर्देशक, पहली बार आप अपने छोटे भाई के लिए फिल्म दिलगी में बने, अब ठीक 20 साल बाद और निर्देशक आपकी फिल्म पल पल दिल के पास रिलीज होने जा रही है जिसमें आपके बेटे हीरो हैं, करण की लॉन्चिंग में देर तो नहीं कर दी आपने? इन दोनों फिल्मों के बीच मैंने घायल वंस अगेन निर्देशित की थी, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही करण को लेकर मैंने सोच विचार शुरू कर दिया था। उस फिल्म के बनते बनते ही मैंने यह निर्णय ले लिया था कि अब अपनी अगली फिल्म में बेटे को लॉन्च करना है। फिर कहानी पर काम शुरू हुआ, उसने काफी वक्त लिया। हिमाचल प्रदेश में हमने बहुत शूटिंग की है इस फिल्म के लिए, वहाँ भी काफी ज्यादा समय लग गया। मौसम की धूप छाव ने काफी रंग दिखाया तो बस इसी सब में समय लग गया। दिलगी में बॉबी देओल को निर्देशित करना आसान रहा या पल पल दिल के पास में करण देओल को? मुझे लगता है कि कोई काम आसान या मुश्किल नहीं होता। उस वक्त बात और थी, पहली बार निर्देशन कर रहा था, इतना ज्यादा कैमरे के पीछे की बातों के बारे में पता भी नहीं था। अभिनेता से निर्देशक बन रहा था तो वह फिल्म थोड़ा ज्यादा मुश्किल रही मेरे लिए बतौर निर्देशक। अब मैं इस पेशे में भी पूरी तरह मनज चुका हूँ। हमने फिल्म की शूटिंग की पूरी योजना पहले ही बना ली और काफी विस्तार से बनाई। किसी काम को करने में आपकी उसे शुरू करने के पहले की तैयारी काम आती ही है। हाँ, इस बार भी मुश्किलें जरूर सामने आई लेकिन वे अलग तरह की मुश्किलें थी। फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग के दौरान कलाकारों और निर्देशकों के बीच चंदन की बातें आम है। कभी कुछ ऐसा बॉबी या करण को निर्देशित करने के साथ हुआ हो? मैं निर्देशक के तौर पर स्कूल मास्टर जैसा बर्ताव नहीं करता। एक निर्देशक का काम है अपनी फिल्म के हर कलाकार से उसका बेहतरीन काम करवाना। एक निर्देशक को ये पता होना चाहिए कि उसके साथ काम कर रहा अभिनेता या अभिनेत्री किस हुनर का मास्टर है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन ही एक निर्देशक की कसौटी है। मैं मानता हूँ कि कभी कभी कलाकारों और निर्देशक के बीच बहस भी हो जाती है और वे मेरे नजरिए से सही भी है। निर्देशक को हमेशा नए विचारों के लिए अपना दिल और दिमाग खुला रखना चाहिए, तभी किसी बात को लेकर अलग अलग नजरिए समझ आते हैं। अभिनेता और निर्देशक के नजरिए अलग हो सकते हैं और दोनों को इस बारे में खुलकर बात करनी ही चाहिए।